हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटेक एजी पर सभी का स्वागत है। दीदी भैया चचा फूफा, दरभंगा एयरपोर्ट अब मिथिला की नई पहचान बन चुका है और हर दिन तरक्की की नई नई इबारत लिख रहा है। जानते हैं जीजा फूफा, महज 9 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भैया जी, अपने दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार में दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। महज 9 महीने में चचा चाची दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्री संख्या और कारोबार के मामले में वो कारनामा कर दिखाया है जो गया एयरपोर्ट आज तक नहीं कर सका। फूफा जी, अब दरभंगा एयरपोर्ट बस पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही पीछे है। दादा दादी काका काकी, दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट होने का यह सम्मान किसी और ने नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि मोदी सरकार के मंत्रालय ने ही दिया है। इसको लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए भौजी बताया कि दरभंगा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट बन गया है और यह बिहार की तरक्की में अहम रोल निभा रहा है। उन्होंने ट्वीट में यह भी बताया है भैया की साली कि जुलाई में अभी तक दरभंगा एयरपोर्ट से 1,77,919 लोग यात्रा कर चुके हैं। एक बात जानते हैं मौसा मौसी, दरभंगा एयरपोर्ट यात्रियों के मामले में जहां रोज सफलता की नई उड़ान भर रहा है, वहीं यात्री सुविधा के मामले में ऐसा लगता है स्थानीय प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहां ग्रहण लगाने का ही कसम खा लिया है। भैया भौजी, जिस दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों के इतने शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सरकार को अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, वहीं हकीकत यह है कि वहां के लोग को कीचड़ में नहाकर पहुंचना पड़ता है। अगर कीचड़ से बच भी गए तो पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लाठी से आपका वहाँ स्वागत हो सकता है। हालात ये है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सड़क पर बने गड्ढे में जमा सड़ा हुआ पानी अपने सुगंध के साथ आपका यहाँ स्वागत करेगा, जिसको वहाँ का स्थानीय प्रशासन बेहद बेशर्मी से अपने लिए शायद अवार्ड समझ रहा है। इसको लेकर बीते दिन सोशल मीडिया पर कई यात्री नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनसे एयरपोर्ट सर्विस चार्ज के नाम पर सरकार टैक्स तो वसूल रही है लेकिन सुविधा बस स्टैंड जैसा भी नहीं है। जीजा फूफा, ऐसा लगता है नीतीश सरकार ने बिहार का मतलब सिर्फ पटना को ही समझ लिया है, जहां इतनी तरक्की हो गई है कि एक दिन की बारिश में ही विकास हर गली से निकलकर मंत्रियों और डिप्टी सीएम के पैर धोने लगता है और वहां हाफ पेंट में अपनी इज्जत बचाने वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी आप वहां पहुंच गए तो अव्यवस्थित भीड़ को देखकर चचा फूफा ऐसा लगेगा एयरपोर्ट टर्मिनल पर नहीं इलाहाबाद के कुंभ में पहुंच गए हैं। अगर इनसे भी बच गए तो अंदर जाने के लिए सावन में बाबा भोले के मंदिर में जैसे प्रवेश के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है ना भौजी, वैसी ही ताकत यहां लगानी होगी और इस दौरान आपको बिन मांगा प्रसाद यानी कि लाठी भी खानी पड़ सकती है। इसको लेकर दीदी भैया मिथिला के रहने वाले अनूप मैथिल ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, दरभंगा एयरपोर्ट पर कुंभ के मेले जैसा भीड़, ऊपर से भीषण गर्मी, सुरक्षा में तैनात जवानों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार अलग से किया जा रहा है। सरकार ऐसी यात्रा का अनुभव दे रही है कि कोई दूसरी बार यात्रा करने से पहले 10 बार सोचेगा। पटना से आगे नहीं बढ़े इसकी भरपूर साजिश कर रही है सरकार। भैया भौजी, आप समझ सकते हैं कि जो दरभंगा अपनी क्षमता से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, वहाँ यात्रियों की हालत रेलवे स्टेशन से भी बदतर क्यों है और आखिरकार स्थानीय प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी और सरकार की इस पर नींद कब खुलेगी? दीदी भैया चचा फूफा, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी अन्य जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक आप देखते रहिए और टेक कीजिए। जय हिंद।